ECGC का जो मेन कार्यक्षेत्र है वो है एक्सपोर्ट क्रेडिट को गारंटी करना, और GST एक इंटरनल मामला है जो भारत सरकार से संबंधित है, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एक्सपोर्ट पे सिर्फ क्रेडिट्स के बेसिस पे है। अदरवाइज जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है और जो एक्सपोर्ट है, इसका कोई संबंध इससे GST का डायरेक्टली नहीं है। ECGC अपना काम करता रहेगा जो पहले करता आया है। ये भारत सरकार का एक उद्यम है जो कि एक्सपोर्ट को बढ़ाने में कारगर भूमिका निभाता है। मैं माल बेच रहा हूँ, मेरी पेमेंट आएगी नहीं आएगी, और आज की जो स्थिति है उसमें बायर कोई नगद नहीं देता, सब उधार मांगते हैं। अब आपने माल भी भेज दिया, पैसे आए नहीं हैं, तो उसके बाद पेमेंट अगर नहीं आती है तो एक्सपोर्टर की पोजीशन ख़राब होती है। तो अपने रिस्क को कवर करने के लिए भारत सरकार का उद्यम है ECGC, एक्सपोर्ट क्रेडिट, यानी एक्सपोर्ट के लिए जो उधार दिया उसकी गारंटी। तो ECGC एक पॉलिसी उसकी भारत सरकार का डिपार्टमेंट है जो निर्यातक को अपने एक्सपोर्ट के लिए जो उधार दिया है उसकी पेमेंट की गारंटी दे रहा है।